इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 5 बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन्स लेकर आए हैं जो कि आपको 1000 रुपये के नीचे देखने को मिल जाएंगे। और इन ब्लूटूथ हेडफोन्स को आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं, जहाँ भी आपको रेट ठीक मिल जाए वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ये जो हेडफोन्स हैं 1000 रुपये के नीचे अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मतलब देते हैं। 1000 रुपये में बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है और जो हेडफोन्स हैं वो आपको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे साउंड, अच्छे बेस के साथ देखने को मिलते हैं। मैंने पांचों हेडफोन्स को इस अपने लिस्ट में रखा है, उनमें से एक हेडफोन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है वो हम आपको इसी वीडियो में बीच में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर देना जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला हेडफोन है बोट रॉकर्स 235 V2। ये हेडफोन्स आपको 999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ इस हेडफोन के साथ, तो मैंने इस हेडफोन को 1 साल तक यूज़ किया है कंटिन्यूस अपने यूट्यूब वीडियोस को एडिट करने में, अपलोड करने में, और जो भी मैंने डेली लाइफ का वर्क किया है, म्यूजिक इंटरेस्ट को सुना है, मूवीज़ को देखा है, तो ओवरऑल ये मुझे हेडफोन्स काफ़ी अच्छा लगा है। 1000 रुपये के नीचे बेस्ट हेडफोन्स है क्योंकि इसमें वायर अटैच हो जाते हैं तो बैड टूटने की या कटने की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फिलहाल जब बैड टूटता है तो कोई नहीं पता है। अगर इस हेडफोन की हम क्वालिटी की बात करते हैं, ये आपको अप टू 8 आवर्स का बैटरी बैकअप देगा, जहाँ पर आप अगर इसको 20 मिनट तक चार्ज करते हैं तो आप यहाँ पर 4 घंटे तक का प्लेबैक म्यूजिक टाइम ले सकते हैं, म्यूजिक 4 घंटे तक सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ B5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिसके साथ आपको IPX5 की स्वेट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। अगर हल्का फुल्का पानी जाता है, पसीना जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं इस हेडफोन की फीचर्स की, तो ये जो ब्लूटूथ हेडफोन्स है ये वाइब्रेट करेगा जब आपका फोन आएगा, और पिकअप और कॉलिंग आप कर ही सकते हैं, पिकअप एंड कट कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसकी भी लिंक हमने ऊपर आइटम में डाल दिया तो आप अनबॉक्सिंग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहीं पर बात करते हैं अपने सेकेंड हेडफोन की जो कि हमारा इसी लिस्ट में है, बोट 103। बहुत ही नाम छोटा है लेकिन काम इसका बहुत ही बड़ा है। ये बड़े बड़े हेडफोन्स को टक्कर देता है। बोट 103 को अराउंड मैंने 1 ईयर तक यूज़ किया है। इसके बहुत सारे मैंने वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, बोट 103 आप हमारे हेडफोन्स की लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, फिर रिव्यू की वीडियो में चेक कर सकते हैं। इस हेडफोन को 1 साल यूज़ करने के बाद मैंने इसमें जाना है कि ये हेडफोन आपके पढ़ाई लिखाई के लिए, स्टडी के लिए, मूवीज़ को देखने के लिए या फिर आपके डेली लाइफ के काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अगर वीडियो एडिटिंग नहीं करते हैं, गेमिंग नहीं करते, तो ये काफ़ी अच्छे हेडफोन्स है। 999 रुपये में देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में इसकी प्राइस 1200 रुपये थी, जब से और लॉन्च हुई तो ये इसका प्राइस कम हो गया है। ये हेडफोन आपको काफ़ी अच्छा इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर 10 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छी बेस है, म्यूजिक के साथ बेस को एकदम सेट किया गया है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। 999 रुपये में कुछ ऐसे फीचर्स में देखने को मिलते हैं लाइक डुअल पेयरिंग ऑप्शन, 2 आवर्स में फुल चार्ज हो जाएगा, 10 मिनट चार्ज करने पर 4 घंटे चलता है, साथ में IPX4 की यहाँ पर वाटर स्विट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा कम है, थोड़ा पानी से यहाँ पर इसको ज़्यादा बचा कर रखेगा नहीं तो दिक्कत हो सकती है, और चार्जिंग आपको सेम देखने को मिल जाती है। यहीं पर अगर बात करते हैं अपने इस लिस्ट में थर्ड हेडफोन की, थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव हो रही है जितना ऊपर हम पहुँच रहे हैं, जिसका नाम है बोल्ट ऑडियो प्रो बेस। ये आपको 999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात ये जो हेडफोन है इसकी सभी चीज़ें हाईलाइटेड दिखती हैं, कंपनी बोल्ट की हाईलाइट करती है, चीज़ों को हाईलाइट करती है, दूर से देखने में लगते हैं तो ये थोड़ा एक हैवी टाइप में देखने में लगता है बोल्ट ऑडियो प्रो बेस। इसको भी मैंने यूज़ किया, ज़्यादा दिन तक नहीं, 2-4 दिन यूज़ किया है, फिलहाल ये मेरे घर में ही है बोल्ट ऑडियो प्रो बेस। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिलहाल मैंने देख कर ही लिया था जो क्वालिटी अच्छी है। इसकी अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो 15 आवर्स की बैटरी बैकअप यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 15 आवर्स से भी ऊपर आप निकल सकते हैं अगर आप नॉर्मली कॉलिंग पर बात करते हैं या फिर म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, तो 15 आवर्स से ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको साथ में चार्जिंग देखने को मिलती है, 2 घंटे में इसको फुल चार्ज भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो कनेक्टिविटी देखने को मिलती है B5.0 की कनेक्टिविटी, 0 कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके और फीचर्स की, तो यहाँ पर ये बेस भर के है, जो बेस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। साउंड क्वालिटी और यहाँ पर फीचर्स की ज़्यादा बात नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और वाटर स्विट रेजिस्टेंस आपको ये भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा है पर इससे डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, इतना ज़्यादा आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं ये हेडफोन्स को।
मैंने आपको टॉप 5 बेस्ट बताई, मैंने से किसी एक को पिक कर सकते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं अपने अगले हेडफोन्स की, जो कि फोर्थ नंबर पर है और काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, ये बेस्ट होने वाला है इस वीडियो में। ट्रॉन इन ट्विंस अल्टिमा विद मेगा बेस, बहुत बड़ा नाम है, इसको 2-3 बार लाइन को पढ़ना पड़ता है तब इस नाम को हम रिपीट कर पाते हैं। इस हेडफोन्स के हम प्राइस की बात करते हैं तो नया ही मार्केट में आया है, 999 रुपये में देखने को मिल जाता है। और 999 रुपये में जो इसकी क्वालिटी भाई, 18 hours का फुल बैकअप विद नॉन स्टॉप प्ले म्यूजिक एंड 4 घंटे का प्लेबैक जब आप इसको 10 मिनट तक चार्ज करते हैं, और 1 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगा, जिसमें आपको 10 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, ब्लूटूथ V5.0 का सपोर्ट, IPX5 into, आपको उस वाटर रेजिस्टेंस देखने को जाता है, भर भर के फीचर्स हैं, टाइप सी पोर्ट है, फास्ट चार्जिंग है, और ये तो बस लाजवाब होने वाला है। पीट्रॉन की तरफ से है, काफ़ी अच्छा हेडफोन्स है, आप इसको भी एक देख सकते हैं, अगर आप बैटरी और टाइप सी मैटर करता है तो इसको का ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छा हेडफोन्स है। अगर यहीं पर बात करते हैं इस लिस्ट पर लास्ट हेडफोन की, जो कि है बोट रॉकर्स 255 प्रो। इस हेडफोन्स की प्राइस 1200 रुपये, लेकिन ये 1000 रुपये में ही देखने को मिलते हैं, आप ऑफर जब लाओ तब खरीदिए, जब सेल चली हो तब आप खरीदिए, काफ़ी अच्छे हेडफोन्स और बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। जो भी प्राइस आएंगे सब पे 100-200-150 रुपये कम होते ही रहते हैं ईजिली से, और बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं, फिलहाल बढ़ते कम है, कम ज़्यादा होते हैं, मैंने ये चीज़ ट्राई किया है इन हेडफोन्स पर जो 1000 के नीचे की प्राइस में है। ये जो बोट रॉकर्स 255 प्रो है, इसमें आपको 15 hours का प्लेबैक, 10 hours का अप टू 10 hours प्लेबैक देखने को मिल जाता है, आप इजीली से यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा हेडफोन से प्रीमियम टाइप में लगता है, कंफर्टेबल फील होता है, जो रबड़ है वो रगड़ फ्री है, आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ख़राब भी जल्दी नहीं होंगे, फिलहाल मैंने इसको यूज़ किया है इस वजह से आपको बता रहा हूँ। एंड यहाँ पर इसके अगर अनबॉक्सिंग देखने जाए तो आई में लिंक मिल जाएगी, IPX5 की रेटिंग देखने मिल जाती है, स्विट रेजिस्टेंट के साथ साथ में सुपर एक्स्ट्रा बेस देखने मिल जाती है, 10 mm के ड्राइवर्स देखने मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, 1000 रुपये के नीचे ये भी काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं। इनमें से आप किसी भी हेडफोन्स को पिक कर सकते हैं अपने अपने प्राइस के हिसाब से, सब भी काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल आप अपनी बैटरी बैकअप देख सकते हैं, फिर सुपर एक्स्ट्रा बेस जो आपको पसंद आए इनमें से देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट मुझे जरूर बताएं। ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तब मैंने ज़्यादा बेटर बोला था, इस बार थोड़ा बेटर नहीं बोला है, लेकिन तब ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई किसी रीजन की वजह से, वो चेक करूँगा बाद में। तो ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट मुझे ज़रूर बताएं। तो बस आज के टाइम से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।